the greater the one, the oracle, the tutor of Holy Prophet and his holy family, who is nearest our inheritor. I am Syed Sher Abbas Bukhari. Today I am going to discuss with you one word substitution. First of all, number one is a list of book. एक किताबों की जो तरतीब दी होती है, अगर आप कोई वर्ड यूज करना चाहते हैं स्पेसिफिक उसके लिए, तो कैटलॉग का वर्ड है वो यूज किया जाता है। मतलब आपने अगर कोई लंबी बात किसी ने करनी है और उसको जो है शॉर्ट वे के अंदर आपने अपनी बात को कन्वे करना है, उसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे समंदर को जो है कूजे के अंदर बंद करना, या दरिया को एक कूजे के अंदर बंद करना। अ लॉन्ग पोल यूज फॉर रोविंग अ बोट, एक लंबी लकड़ी तो इस्तेमाल होती है कश्ती चलाने के लिए, उसको ओर कहते हैं। जैसे चप्पू कहा जाता है, मतलब आपने लॉन्ग पोल कहने की बजाय आपने अगर ओर लिख दिया या कह दिया है, तो दूसरे बंदे को आइडिया हो जाएगा कि आपने चप्पू के बारे में बात की है, कश्ती चलाने वाले चप्पू के बारे में बात की है। नंबर थर्ड, अ लवर ऑफ अदर्स, के जो दूसरों से मोहब्बत करता है उसको अल्ट्रुइस्ट कहा जाता है। अच्छा जी, इस तरह से जो लोग मतलब कि जी किसी से मोहब्बत करते हैं या इंसानियत से मोहब्बत करते हैं, उनको फिलैंथ्रोपिस्ट और मिसैंथ्रोपिस्ट कहा जाता है, जो कि हेट करते हैं, और फिलैंथ्रोपिस्ट तो वो होते हैं जो इंसानियत से मोहब्बत करते हैं। अ मैन ऑफ ऑड हैबिट, एक इंसान जिसकी जो है आदत जो है काफी ऑड हों, बुरी हों, या मतलब डिफरेंट हों, तो उसको एक्सेंट्रिक कहा जाता है, ज़हनी जो है बंदा कहलाता है। अ मैन हु डांसेस टू ट्यून्स ऑफ हिज वाइफ, के इंसान एक मर्द जो है उसने औरत के कहने के ऊपर अपने आप को जो है वो चेंज करता रहता है, नेचर को या अपनी बात जो है या उसकी बात औरत की बातें, अपनी वाइफ की बातें जो वो मानता है, उसको हैंड पेट कहा जाता है। इसके लिए एक और वर्ड भी यूज किया जाता है जिसे लग्जोरियस कहते हैं। अ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, के किसी डेड बॉडी का, किसी मुर्दा जिस्म की जो मुआयना है उसको पोस्टमार्टम कहते हैं। अ नेशन इंगेज्ड इन वॉर, कि एक कौम जो है, एक नस्ल जो है किसी वॉर के अंदर, जंग के अंदर धकेली जा चुकी है, या एक जंग के अंदर जो है वो इंगेज है, मसरूफ है, उसको बेलिजरेंट कहते हैं, बेलिजरेंट कहा जाता है। अ नंबर ऑफ पीपल फॉलोइंग अ फ्यूनरल, के एक नमाज जनाजा को या एक जनाजे को या मैयत को जो है वो फॉलो कर रहे हैं कुछ लोग, उसको कॉटेज का नाम दिया जाता है, कि एक कॉटेज के ऊपर है, वी आर एट कॉटेज। आप पार्टनर इन क्राइम, एक इंसान जो आपका क्राइम का जुर्म का साथी होता है, उसके लिए वर्ड जो है एकम्प्लिस यूज किया जाता है। अ परफॉर्मेंस गिवन बाय अ नंबर ऑफ म्यूजिशियंस, के एक परफॉर्मेंस है कोई कंसर्ट, मतलब यहाँ पे अगर आप परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हैं म्यूजिशियंस की, जो म्यूजिक से वाबस्ता लोग हैं, ग्लूकार हैं, उसके लिए वर्ड कौन सा यूज होता है, कंसर्ट। सब्स्टिट्यूशन वर्ड क्या है इस लंबी लाइन का, एक पूरे सेंटेंस का, कंसर्ट। अब पीरियड ऑफ 10 years, 10 सालों का जो वक्फा है, जब पीरियड है, दौर है, उसको डेकेड कहा जाता है। अ पर्सन बिहाइंड टाइम, एक इंसान जो है वो एंशियंट, मतलब पुराना है, ओल्ड है, ओल्ड फैशन्ड है, उसको एंटीक्ड का नाम दिया जाता है, पुराना। अ पर्सन डिफिकल्ट टू प्लीज, के एक ऐसा शख्स जिसको खुश करना जो है बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए आप इतनी लंबी लाइन जो है ना कहें, ही इज वेरी और शी इज वेरी फास्टिडियस पर्सन। अ पर्सन हैविंग अ डीप स्टडी इन लैंग्वेज, एक इंसान ने बहुत ज्यादा स्टडी किया है, मुताला किया है लैंग्वेजेस का, जुबान का, उसको जो है फिलोलॉजिस्ट कहा जाता है, फिलोलॉजिस्ट। अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट, एक इंसान जो किस्मत के ऊपर जो है बिलीव करता है, यकीन रखता है, उसको फेटलिस्ट जो है कहते हैं, या उसके लिए फेटलिस्ट जो है कहा जाता है। जैसे सब्स्टिट्यूशन के ऊपर फेटलिस्ट आप लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली डिजायरियस ऑफ वेल्थ, एक इंसान जो बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, उसको मेहनत मतलब पैसा मिले, उसको एवरेज एवराइज जो है कहते हैं। थैंक यू सो मच, दैट इज माय टॉपिक, अल्लाह हाफिज़।